नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबिता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदकवीरों से मुलाकात करेंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीरों से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे, तो पीएम अपने सरकारी आवास पर सभी विजेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। भारत ने CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 मेडल जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। तो बर्मिंघम में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपने अभियान का अंत किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के बर्मिंघम रवाना होने से पहले उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की थी। तो पीएम ने वादा किया था कि जब खिलाड़ी CWG से लौटकर आएंगे तो वो उनसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो आज मुलाकात होगी, 11 बजे ये मुलाकात होने वाली है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, सभी विजेताओं से मुलाकात करेंगे। तो भारतीय एथलीटों ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज्यादा पदक रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। तो भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा ले रहा था और इसमें कुल मिलाकर 104 पुरुष और 103 महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो भारत के लिए पुरुषों ने 35 और महिलाओं ने 26 मेडल अपने नाम किए हैं। तो काफी बड़ा दिन है आज जो है, पीएम नरेंद्र मोदी सभी विजेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। 11 बजे मुलाकात होगी। तो सभी पदक वीरों से आज मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि जब खिलाड़ी CWG कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जब जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि CWG से लौटकर जब आप आएंगे तो वो उनसे जरूर मिलेंगे। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा कर रहे हैं और सभी पदक वीरों से वो मुलाकात करेंगे। वही लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा की अभियान की शुरुआत की है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो वीर नारियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज सम्मानित करने वाले हैं सीएम आवास पर। सीएम वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तो सीएम आज जो है वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने वाले हैं। वीर नारियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। तो सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक भी होने वाली है। भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की तैयारी के संबंध में ये बैठक होने वाली है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ वीरता पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। तो वीर नारियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करने वाले हैं। तो सीएम आवास पर सीएम योगी करेंगे बैठक। भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जाएगी। तो भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 23वीं बैठक होने वाली है उसके जायजा भी लिया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड जुड़ चुके हैं। अखंड, आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश भर में, देश भर में इस तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो बीजेपी द्वारा लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस तिरंगा अभियान में जुड़े, एकता का प्रदर्शन करें, एकता को दिखाए। तो इसके लिए लगातार अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वो इस तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। तो वहीं आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित करने वाले हैं इसी के साथ ही। तो वहीं वीर नारियों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। तो सीएम आवास पर
सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक भी होगी, जहां पर भोपाल में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली जाएगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड जुड़ चुके हैं। अखंड, बीजेपी ने पूरे देश भर में तिरंगा अभियान चलाया हुआ है, तो वहीं लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, और ये पिछले कुछ समय से लगातार इस पे काम चल रहा था। मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिए हुए थे कि 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक तिरंगा यात्रा और तिरंगा हर घर तिरंगा का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। तो इसको लेके तमाम जो सरकारी विभाग हैं वो सरकारी विभाग इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इनके सरकार के आवाहन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चों के साथ ये जो तिरंगा यात्रा है इसकी शुरुआत की है। इसके पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 9 तारीख को की गई थी। तो इन सारे प्रक्रम की बात अगर कही जाए तो ये 9:30 बजे मुख्यमंत्री ने इसका राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम के नाम से इस अमृत महोत्सव जो चल रहा है आजादी का, उसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया है। और आज 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे स्कूली बच्चों को बुलाया गया था और उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक बाकायदा रैली निकाली गई है और जो इसमें रैली तो अखंड ये रैली जो है कहां से कहां तक निकाली जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री आवास से ये 10:90 चौराहे तक इस रैली को आना था और इसमें 10:90 चौराहे पे पहले से ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पे मौजूद रहे और उस वहां से भी एक रैली का आह्वान किया गया है। तो कुल मिला के शहर हिस्सों में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से निकल के ये जो रैली है ये विधानसभा बल्कि जाएगी और 10:90 चौराहे से भी एक रैली निकल रही है जो शहर के अन्य हिस्सों की तरफ निकलेगी। जी अखंड, जिस तरह से आपने बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की शुरुआत की थी, तो स्कूली बच्चों के साथ ये शुरुआत की गई और किन किन लोगों को इसमें जोड़ा गया है रैली में? देखिए, पहले ही इस बात का जिक्र किया गया है कि तमाम जो सरकारी विभाग हैं, सारे सरकारी विभाग चाहे कितने भी मंत्रालय से जुड़े हुए हों, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, चिकित्सा, सभी मंत्रालयों को एक दूसरे से जोड़ा गया था और तमाम विभाग के जो कर्मचारी हैं उन विभाग के कर्मचारियों को, चिकित्सा, उन सभी विभाग के कर्मचारियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये 9 तारीख से ही, बल्कि यूं कहा जाए कि 2 तारीख से ही इसके ध्वज के वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तमाम विभागों में इसके आयोजन किए गए, अलग अलग तरीके से कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला। इन सारे कार्यक्रमों के बीच में एक जो केंद्र में जो योजना है वो है हर घर तिरंगा, यानी हर घर पे तिरंगा फहराने की एक योजना है। जी अखंड, क्योंकि बीजेपी का जो मेन टारगेट है वो आम जनता को जोड़ना है, तो क्या कहा जाए इस रैली में आम जनता का साथ कितना दिखाई दिया? देखिए, आज स्कूली बच्चों का आवाहन था, आज जनता को जोड़ने का आवाहन नहीं था। अगर मुख्यमंत्री आवास से निकली हुई रैली की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें स्कूली बच्चों को जोड़ने की बात थी। हाँ, ये जरूर है कि डिप्टी सीएम केशव प्रभाव ब्रजेश पाठक जो 10:90 चौराहे से 9 बजे के लगभग उन्होंने यात्रा शुरू की है, उसमें आम लोगों के जोड़ने की आह्वान की अपील की गई थी। और इसी तरीके से आज एक रिहर्सल चल रहा था जो पूरे लखनऊ को 58 सेकंड के लिए, वो जो ध्वज गान होता है उसके लिए अलर्टनेस लोगों में जागरूक करने के लिए, अलर्टनेस के लिए जो 15 तारीख को जिसका लाइव किया जाएगा वो ध्वजारोहण के बाद, तो उसको लेके भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। तो पूरे शहर को एक तरीके से कहा जाए तो इसको रोकने की एक पूरी योजना थी। तो जनता को इसलिए जागरूक किया जा रहा था 13 तारीख, 14 तारीख और फिर 15 तारीख को इसका फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। तो उस तरीके से इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो अखंड, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ का और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि जहां पे खबर आ रही है कि सीएम वीरता पुरस्कार भी विजेताओं को देने वाले हैं, उसे सम्मानित करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये
सब एरिया सेंट्रल कमांड है सेना का, वहां पे 11:30 बजे मुख्यमंत्री को वीरता पुरस्कार जो विजेता वीरता पुरस्कार के जो विजेता हैं जो वीर नारियां हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है 11:30 बजे का, ये सब एरिया सेंट्रल कमांड में है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की होनी है आज, ये क्षेत्रीय परिषद की भोपाल में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है, जो 23वीं बैठक की तैयारी जो है उसके मद्देनजर आज एक बैठक बुलाई गई है। और इस जो फिर शाम 6 बजे ये पूरी बैठक जो होगी ये शाम 6 बजे कालिदास मार्ग पर की जाएगी। तो जो क्षेत्रीय बैठक है क्षेत्रीय परिषद मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है ये आपकी शाम 6 बजे कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। चलिए अखंड आप इस खबर पर नजर बनाए रहिए क्योंकि आपसे पल पल की अपडेट जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बीजेपी जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ दौरे पर रहेंगे, तिरंगा वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तो क्रांति के शहर में आजादी का आज अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा है, तो क्रांति के शहर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। शाम 5:15 पर शहीद स्मारक भी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो यूपी सरकार के कई मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो जेपी नड्डा का आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। तो कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में मंथन भी किया जाएगा। तो कार्यक्रम के बाद 5:50 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। तो आज मेरठ दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तिरंगा वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। तो क्रांति के शहर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो शाम 5:15 पर शहीद स्मारक पहुंचने वाले हैं, उसके बाद यूपी सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा का आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। तो कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में मंथन भी जारी है। कार्यक्रम के बाद 5:50 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ दौरे पर, तो शाम 5:15 पर शहीद स्मारक पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो कार्यक्रम के बाद 5:50 पर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिया गया है। तो कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने खारिज की है भगोड़ा घोषित करने की याचिका। तो पुलिस गिरफ्तारी के लिए 21 ठिकानों पर भी दे चुकी है दबिश। तो पुलिस ने विधायक की तलाश में लखनऊ के साथ ही गाजीपुर, मऊ और दिल्ली के 21 ठिकानों पर दबिश दी है। तो मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 3 साल पहले महानगर थाने में एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इस मामले में MP MLA विशेष कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही वो फरार चल रहे हैं। अब्बास के वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो विधायक को ढूंढने के लिए पुलिस ने लखनऊ में ही 9 ठिकानों पर दबिश दी है लेकिन वो अब तक नहीं मिल पाया है। तो 84 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है जो लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली, अभी तक जो है अब्बास अंसारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो 21 ठिकानों पर अब तक दबिश दे चुकी है पुलिस। तो विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के अब कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है। तो 25 अगस्त तक का समय दिया गया है गिरफ्तार करने के आदेश। तो कोर्ट ने खारिज की भगोड़ा घोषित करने की याचिका। पुलिस गिरफ्तारी के लिए 21 ठिकानों पर अब तक दबिश दे चुकी है।
तो विधायक की तलाश में लखनऊ के साथ ही पुलिस ने गाजीपुर, मऊ और दिल्ली के 21 ठिकानों पर अब तक दबिश दे दी है, लेकिन अभी तक अब्बास अंसारी उनकी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। तो मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 3 साल पहले केस दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, विधायक अब्बास अंसारी को लेकर गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और 25 अगस्त तक गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने। कोर्ट तो कहीं ना कहीं इनकी लगातार जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अभी तक पुलिस लगभग 21 ठिकानों पर इनके ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन कोर्ट का सख्त आदेश है, जल्दी इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। जी सिद्धार्थ, 21 ठिकानों पर अब तक दबिश दे चुकी है पुलिस, लेकिन अभी भी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं गिरफ्तारी के लिए कुल 84 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई है, जिसमें हर टीम में एक इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 7 सिपाही, 8 टीमों पर 4 ASP कर रहे हैं लीड, और 84 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई है। और सिद्धार्थ, यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने बताया है 84 टीम लगाई गई है, 84 पुलिस कर्मी है जिनकी टीम लगाई गई है, इतने सारे लोग हैं, फिर भी वो अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाए हैं? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? देखिए, आपको बता दें पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, 8 टीमें लगाई गई है जिसमें 84 पुलिस कर्मी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लगातार ये ठिकाने बदल देते हैं, इसलिए पुलिस को दिक्कत आ रही है। पुलिस ने इनके मऊ आवास पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की, लखनऊ के आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, और जिस तरीके से आवास इनके जो करीबी थे उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए तब तक तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक पुलिस को लगातार, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि 25 तारीख तक हाल में इनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इन तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।